हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं जो कमेंट करते हैं उन लोगों के जवाब देने वाले हैं। ये पूछ रहे हैं आकाश गिरी जी, नाम बहादुर भाई साहब, ये बोले जय हो राम राम जी। तो भाई की जय बहादुर को राम राम भाई। मैं न्यू गाड़ी खरीद के लखनऊ आ जाऊं, क्या रिप्लाई? राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे स्नैपब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाइयों। और सुबह के बजने वाले हैं 12, दोपहर के मान लो। ये देखो 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अपनी, ईंधन वगैरह कुछ इतना है भाई। और ये सामने रहा जीडी गोयनका, अपना मैनावती मार्ग पे है ये। तो यहाँ इसलिए आए भाई क्योंकि प्राइवेट बुकिंग हमारी लगी हुई है, लोकल की राइड है। 1000 रुपये गाड़ी का भाड़ा रहेगा, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा रहेगा। सारी बातचीत हो चुकी है, एक बच्चा है उसको पेपर दिलाने जाना है और शाम को 5-6 बजे छूटेगा, फिर उसको लेकर के वापस आना है। तो कुछ इस तरह का है भाई हिसाब किताब। अब यहीं से बैक करके लगा लेते हैं गाड़ी और करते हैं कस्टमर का वेट, देखते हैं कितने बजे आता है, और जैसे ही आएगा उसको लेके निकल जाएंगे। ये देखो भाई बोर्ड लगा रखा है जीडी गोयनका का, हॉस्टल जो है वो यही सामने वाला है। और देखते हैं बच्चा हॉस्टल से आता है या फिर कहाँ, उधर कहीं आगे। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, बता दिया उनको गाड़ी के लिए। अच्छा चाहिए नहीं, ठीक है ठीक है। तो भैया कस्टमर को पता चल गया है गाड़ी आ गई है। इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद भाई गाड़ी लगाना है, सिक्योरिटी ने बोला है। हमने बोला बिल्कुल भाई, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। अब इधर साइड में लगा लेते हैं गाड़ी, करेंगे वेट, जैसे ही आ जाएगा बच्चा लेके तुरंत ही जो है निकल जाएंगे। और आज की जो भी अर्निंग वगैरह होगी सारी डिटेल बताएंगे भाई बाद में। 2 दिन से हमारा ऐसा ही समय जा रहा था, कल और परसों काम कुछ नहीं हो पाया, तो आज मन बना के निकले थे कि भाई काम करेंगे। हालांकि अपने पास प्राइवेट काम आ गया है, ओला उबर की जरूरत नहीं है, अब तो प्राइवेट ही करेंगे। एक दिन में 1000 बच जाए लोकल में बहुत है, अभी आउटसाइड हमारे पास नहीं आ रही है, सिस्टम कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, सिस्टम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो भैया हमारे यूनियन के लोग मिल चुके हैं, कल्लू भैया नाम समझ लीजिए भाई साहब का, चंदू शर्मा नाम है भाई साहब का, एमपी ग्वालियर ग्वालियर के हैं भाई साहब। और ये ट्रेवलर चलाते हैं भाई, ये देखो इनको दिखा दे, ये ट्रेवलर है भाई की। भाई ने फोन किया था कि यार यही कहीं आसपास हो, क्योंकि यूनियन में होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं इनके यहाँ, तो ये लोग स्वागत सत्कार करते हैं, चाय पानी पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, और ये हमारे यहाँ आए हैं तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं। राजू भैया का तो खैर भाई फेस हम जानते हैं क्योंकि फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो। शर्मा ग्वालियर चंबल संभा गाला रसी की तब उम्मीद तानसेन की माना जी से सभी भाइयों को राधे राधे। राजू भैया ने भैया का नंबर दिया था तो भैया से मुलाकात हुई, और ये हमारे मित्र हैं कमलेश जी है भाई। फूल माला तो लाया नहीं, उसमें बुरा मन माना यार, क्योंकि फूल माला हम लोग यूनियन में देखते हैं कि एक दूसरे को पहनाते हैं। कमलेश भैया है और ये भी आए हुए हैं मेरे साथ में। चलो कमलेश भैया नमस्कार, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, भैया ने फोन किया तो मैं गाड़ी लगा के देख, हमने कहा एमपी की गाड़ी है यार, लेकिन भैया कौन से हैं? अच्छा नंबर आपका बिजी बता रहा था, ग्वालियर से आए हुए थे मैं और हमारे मित्र है कमलेश जी, और राजू भैया ने नंबर दिया हमारे विवेक भाई साहब का, तो ये बेचारे 10 किलोमीटर दूर चल के आए यहाँ पर, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राधे राधे भाई। चलो भाई साहब का स्वागत सत्कार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई। पेपर गया छूट है, इतना भयंकर जो है, बच्चे आ रहे हैं स्कूल इधर है और इस तरह का लगा हुआ है जाम। तो भैया इस समय हम खड़े हैं दीपू चौहान ढाबा पे, ढाबा क्या इन्होंने नया खोला है फूड कोर्ट्स करके, ये दीपू चौहान का ही है। ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है और ये बगल में रहा हाईवे। ठीक है, तो भाई आज हम देने वाले हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं जो कमेंट करते हैं उन लोगों के जवाब देने वाले हैं। तो दूसरा मोबाइल है उसको हम खोलते हैं और अपनी आईडी खोलते हैं और देखते हैं किसने क्या जवाब मांगा है, आज वाले वीडियो का ही चलो ले लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले जो अभी वीडियो डाली है उसको मैं देखता हूँ, कमेंट में क्या क्या आया है भाई, सारी डिटेल आपके बताएंगे आज ऑनलाइन, आप लोगों को बताएंगे कमेंट के जवाब जो है इसमें अभी जो कमेंट आए हैं। देखा है भाई साहब हैं धर्मेंद्र सिंह,
विनय भाई हमारी जॉब लग बदो वॉल्वो पर, हम आगरा रहते हैं। शायद ये भाई साहब, इनका कहना है कि भाई साहब वॉल्वो में हमारी जॉब लगवा दो, हम आगरा में रहते हैं। तो भाई आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई मैं तो वीडियो बनाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, इतना हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। और मान लो कोशिश करके हमने कहीं लगवा भी दिया और आप ठीक से ना चला पाए या उसने पेमेंट रोक ली, तो भाई आप हम पे कंप्लेन करोगे, हमें कोई कमीशन तो आपसे ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इन सब पचड़े में भाई हम नहीं पड़ते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे, अगर संभव हुआ तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन दूसरे स्तर से। जॉब वगैरह लगवाने का भाई बहुत जिम्मेदारी वाला काम है दोनों तरफ से। जो कंपनी में मैनेजर होगा वो भी अपने भरोसेमंद ड्राइवर को रखता है, या फिर भरोसेमंद जो ड्राइवर है रेफरल दे देगा कि हाँ हमारे जान पहचान का, हमारे क्षेत्र का अच्छे से गाड़ी चला लेता है, तो भाई कंपनी वाले भरे भरोसा करके रख लें। और वॉल्वो में वैसे ट्रेनिंग होती है, उसका पैसा भी देना पड़ता है, और ट्रेनिंग होती है लगभग 15 दिनों की, तो देखने वाली बात है। चलो दूसरे भाई का हम कमेंट का जवाब देते हैं कि दूसरे भाई साहब ने क्या कमेंट किया है। भाई इन्होंने राम राम भेजा है, तो भाई राम राम। ये विवेक कुमार हैं और श्याम बाबू हैं, ये जय राम राम जी बोल रहे हैं, तो भाई राम राम। अब दूसरी वीडियो में चलते हैं, दूसरी वीडियो में देखते हैं भाई लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, और कुछ कमेंट के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन भाई। हालांकि डाटा सर्वर वगैरह थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इस वजह से जो है थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही मैसेज खुलेंगे, इनबॉक्स खुलेगा और क्या क्या कमेंट है, तो भाई मैं जरूर उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ भाई। क्या है ना, अभी यहाँ पे सर्वर थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तब तक आप लोग ये दीपू चौहान ढाबे का थोड़ा सा व्यू देखो और हाईवे का व्यू देखो भाई। अभी बच्चे वगैरह छूटे हुए हैं हमारे साथ, जो स्टूडेंट है उसने कहा भैया फूड कोर्ट पे रोक लो, हमें कुछ खाना है। हालांकि उसकी मम्मी ने भाई देखो दिखा दे, ये थाली पैक करके दी थी, लेकिन बच्चे ने घर का खाना नहीं खाया भाई, वैसे ही रखा हुआ है। ये सलाद वगैरह सब कुछ है, दाल वगैरह है, और जो भी हो हमने तो पकड़ाया, लेकिन बच्चे कुछ और ही पसंद है बोला। तो भैया जो आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ, फटाफट चलता हूँ आज वाले वीडियो पे, और कमेंट क्या क्या है उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। ये लाइव हमारा वीडियो चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है, मतलब वीडियो में, वीडियो जो कल बनाया था वो आज चल रहा है। विवेक भाई ने राम राम लिख के भेजा, तो भाई इनको राम राम। आज जल्दी वीडियो आ गई भाई, तो इनको जवाब मैं देना चाहता हूँ, नवाब जाट है। तो हाँ भाई जवाब जल्दी आ गई, क्योंकि दो वीडियो कल के दिन शूट किए थे, इसलिए जो है दो वीडियो आ गए। ठीक है, और ये फैजल खान भाई साहब हैं, ये शायद ये आगरा से हैं। ये भाई पूछ रहे हैं कि भाई आगरा के लिए चलाने के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो भाई आपका तो पर्यटक स्थल है, आप अपने बजट के हिसाब से देख लो। मैं सभी अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहना चाहता हूँ, गाड़ियां सभी अच्छी हैं, खास करके जो जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो जो मैं बता रहा हूँ। और जैसे कि कम बजट है तो वैगनार ले लो, अच्छा बजट है तो डिजायर ले लो, औरा ले लो, और अच्छा बजट है तो अर्टिका ले लो। तीनों चारों गाड़ियां बेस्ट हैं भाई, और तीनों चारों गाड़ियों में दबा के काम आता है। ठीक है, और कुछ लोग पूछते हैं भाई हम ट्रिबर ले लें, उसकी रेनॉल्ट की आती है, तो भाई उनसे बोलना चाहता हूँ सब्सक्राइबर भाई साहब से, मत लीजिएगा भाई गाड़ी, वो सही नहीं है, टैक्सी के मामले में आपको घाटा हो जाएगा। तो देखने वाली बात है, और भाई देखते हैं और भाई किसने क्या क्या जवाब मांगा है। ये भूपेंद्र जी हैं, ठीक है, ये बनारस के रहने वाले, ये भाई कमेंट में लिख रहे हैं भाई वाराणसी में कैसा काम चल रहा है, प्लीज बताओ ना। तो भाई इनको मैं बताना चाहता हूँ कि वाराणसी में हमारे 2-3 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काम डाउन चल रहा है ठंडियों की वजह से, क्योंकि वहाँ ज्यादा पर्यटक आते हैं, वो भी बाहर के, तो ज्यादा ठंड की वजह से अभी इस समय के लोग कम आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही मौसम सही होगा, बनारस में भी काम अच्छा चलेगा, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट भी है और गंगा के घाट वगैरह भी है और अपना शंकर जी का शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ काम अच्छा आने वाला है आने वाले समय में। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा भूपेंद्र जी। और भाई दूसरे भाइयों का जो है जवाब लेते हैं, ये सन्नी चौहान जी हैं, भाई एक बार कुलदीप मोटर बर्रा में भी विजिट कर लो। तो भाई ये बात सही बोल रहे हो सन्नी चौहान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ
हम जिस गाड़ी पे बैठे हुए हैं या जो गाड़ी हमारे पहले थी वो भी जो है कुलदीप मोटर बर्रा से थी और ये भी कुलदीप मोटर बर्रा से ही गाड़ी निकाली गई थी। तो ठीक है, हालांकि वहां पे छूट अच्छी देते हैं लेकिन वहां पे जब जरूरत होगी तो जाएंगे, जब सब्सक्राइबर की काफी डिमांड होगी तो देखेंगे वहां क्या कैसा क्या छूट चल रहा है। ये पूछ रहा है आकाश गिरी जी, ठीक है अगला जवाब इनको देते हैं। विनय भाई ये बताओ ओला उबर में MLMB लाइसेंस लग जाएगा प्राइवेट गाड़ी के फोर व्हीलर का? तो इनको बताना चाहता हूँ, हाँ भाई साहब लग जाएगा। भारत सरकार ने अपने नियम में बदलाव किए हैं, वो सन 2020 उसमें किए थे कोरोना वोरोना के समय, कि अब प्राइवेट लाइसेंस वाले जो 20 साल का लाइसेंस बनता है वो भी गाड़ी चला सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले कमर्शियल लाइसेंस जो हैवी लाइसेंस होता है ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वही जिनके पास होता था वही लोग गाड़ी चला सकते थे, लेकिन अब वो नियम में परिवर्तन कर दिया गया, आप फोर व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए, कोई सा भी हो आप गाड़ी चला सकते हो। तो ठीक है भाई, आपको भी समझ में आ गया होगा। और ये भाई साहब हैं सुफियान ब्लॉक करके हैं, ये भाई बोल रहे विनय भाई आज बड़ी जल्दी वीडियो आ गई। तो भाई इनसे भी बताना चाहता हूँ, हाँ भाई जल्दी वीडियो आ गई क्योंकि कल के दिन वीडियो दो शूट कर लिए थे, इस वजह से एक पहले अपलोड कर दिया है, एक डेली के समय जो 2-3 बजे का समय उस टाइम हम डालेंगे, और बल्कि आ भी गया है। और ये भाई शिव, हाँ चलो ठीक है, राम राम भाई लिख के भेज रहे हैं, SKNVS, अब जो भी नाम हो भाई, थोड़ी सी इंग्लिश हमारी थोड़ी सी हार्ड है। ये अनुज कुमार हैं, गुड मॉर्निंग भाई जी बोल रहे हैं। तो भाई अब हो चुकी है शाम या रात, तो गुड इवनिंग या गुड नाइट आप कुछ भी समझ लो। और दूसरा भाई कमेंट लेते हैं, ये लिख रहे हैं सूफिया सुफियान व्लॉग, ये पूछ रहे हैं विनय भाई साहब आपका अड्डा कहाँ है? तो इनको भाई बता दें, हम इंदिरा नगर में जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं चलाना, इंदिरा नगर में शुभ संस्कार गेस्ट हाउस पड़ता है, बरगद का पेड़ है, हम सारे ड्राइवर भाई आसपास 15-20 जो भी हैं वहीं पे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। किसी को लोकल में चलाना है बहुत अच्छा पॉइंट है, वहाँ पे बुकिंग ढेर सारी दबा के आती है, हालांकि इस समय फर्जी ज्यादा आ रही है, तो चलो कोई नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी दिन की शुरुआत वहीं से करते हैं। ठीक है भाई, अब आकाश गिरी जी फिर एक जवाब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विनय भाई ये बताओ एक्स्ट्रा वारंटी का क्या मतलब होता है? तो आकाश गिरी जी मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग हर कंपनी की अलग अलग जो है टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है, जैसे मान मारुति की बात कर रहा हूँ, मारुति गाड़ी में क्या है कि आप गाड़ी निकलवाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो गारंटी होती है वो 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की होती है। अब हम लोग टैक्सी गाड़ियां हैं 2 साल, तो भाई 40,000 किलोमीटर तो हम लोग 1 साल में चला देते हैं, या कभी कभी 70-80,000 भी हमारी गाड़ी चल जाती है 1 साल में। तो हम लोग क्या है, इस समय 15-20,000 रुपए का चल रहा है जो स्टैंडर्ड वारंटी है, मतलब 12,000 तो स्टैंडर्ड वारंटी है और 7-8,000 रुपए लेते हैं इंजन प्रोटेक्शन की वारंटी, ठीक है, तो टोटल 18-19,000 रुपए पड़ता है ये। अब स्टैंडर्ड वारंटी हमारी वही जो 40,000 के बाद शुरू होती है, 1,00,000 किलोमीटर तक जाती है या फिर 5 साल तक, ये मैं मारुति की बात कर रहा हूँ, मारुति की कोई भी ब्रांड हो सारी गाड़ियों पे नियम लागू होता है टैक्सी में, ठीक है। तो ये हो गया, और जो स्टैंडर्ड वारंटी में इंजन को प्रोटेक्ट करते हैं, मान लो आप पानी वाले क्षेत्र में रहते हो, आपकी गाड़ी खड़ी है, रातों रात बाढ़ आ जाती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, इंजन में पानी चला जाता है, इंजन आपका खराब हो जाता है, तो प्रोटेक्ट रहेगा आपका इंजन, कंपनी रिप्लेस करके देगी या रिपेयर करके देगी, ठीक है। 18,000-19,000 रुपए जो पैसे लेते हैं वो इसी बात के लेते हैं, 12,000 में ये जो घिसने वाली सामान है वो कवर नहीं होती, जैसे कि टायर हो गया, ब्रेक शू हो गया और क्लच प्लेट हो गई, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं कवर होती है, बकाया सारी पूरी गाड़ी होती है आपका जो है सस्पेंशन से लगा के जो है सस्पेंशन और यहाँ तक कि छोटे जो पहियों वायरिंग पड़ती है उसका जो है इंड वगैरह हो गया, मतलब A to Z गाड़ी आपकी जो है कवर होती है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड वारंटी का मतलब। स्टैंडर्ड वारंटी इसमें 2 प्रकार से कर रहे हैं, एक तो कम पैसे की कर रहे हैं 12,000, उसमें आपका इंजन प्रोटेक्ट नहीं होगा, 8,000 रुपए प्लस और करेंगे तो आपका इंजन भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो कि बारिश वारिश में कहीं खड़ी होती गाड़ी और कुछ हो जाता है, बाढ़ उड़ आ जाती है, तो फिर आपको क्लेम मिलेगा, कंपनी देगी। और एक्सीडेंटल का वो अलग होता है, एक्सीडेंटल में अगर टोटल लॉस में गई तो फिर इंजन आपको मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल में छोटा मोटा काम इंजन का तो भाई नहीं करके देते हैं,
जो देखने वाली बात है, छोटी छोटी चीजें आप लोग समझ जाइएगा। और आप दूसरे कमेंट की तरफ भाई चलते हैं। ये भाई एमआई का कुछ बताया नहीं, तो भाई ऐसा होता है, हम लोग पहले से तो कोई प्लान होता नहीं है कि हम लोग क्या क्या सवाल जवाब पूछने हैं, हम कोई लिख के तो रखते नहीं। अब उस समय वीडियो बनाते समय जो हमारे दिमाग में आता है वो हम क्वेश्चन सामने वाले से पूछ लेते हैं। अब आपने बोला है तो अगली बार ये याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से और पूछ लेंगे, भाई एमआई आपकी कितनी, आपकी कितनी है। लेकिन वो अगले वीडियो में जब कभी हम वीडियो शूट करेंगे इस तरह के, तो आगे से याद रखेंगे, क्योंकि पहले से हमें नहीं पता होता है कि हमको क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। बस रेंडमली मतलब एकदम दिमाग में आता है, जो भी सोच आती है तुरंत उसे पूछ लेते हैं, भाई इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो कुछ ऐसा सीन है भाई, तो आपको भी जवाब मिल गया होगा भाई साहब। ठीक है, इनका नाम क्या है भाई? अरे यार रोशनी पड़ रही है, चलो इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा ले भाई, क्योंकि ब्राइटनेस है धीमा, तो उसकी वजह से नाम इनका नहीं समझ में आ रहा है। ये अब्दुल्ला है भाई, जो जिनका एक क्वेश्चन था एमआई को लेके, ये बोले जय हो राम राम जी। तो भाई की जय बहादुर को राम राम भाई। और बढ़ते हैं आगे, ये रूड 1282 करके आ रहा है, सर एक क्वेश्चन, मैं न्यू गाड़ी खरीद के लखनऊ आ जाऊं, क्या रिप्लाई प्लीज, ये रिप्लाई मांग रहे हैं। तो भाई मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्लीज मेरे भाई, अगर जो आप कहीं पे सेटल हो, 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी है, आप मंथली कमा रहे हो, तो इस लाइन में मत आइएगा। इस लाइन में वही मेरा भाई है जिसके पास कोई काम ना हो, और दूसरे की नौकरी 10-15 हजार की कर रहा हो, और उसके पास 2-3 लाख का बजट हो, ठीक है, तो वो इस लाइन में आ सकता है। आशा करते हैं भाई आप 10-12 घंटे गाड़ी चलाओगे, यकीन दिलाता हूं भाई आपको, आराम से अगर 10-15 हजार की नौकरी है तो किस्त भी निकाल लोगे, एमआई जिसको बोलते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस भी निकाल लोगे, पेपर वर्किंग का भी निकाल लोगे, सीएनजी और पेट्रोल जो भी पड़ता है एक्स वाई जेड, डेली का अपना खर्चा भी निकाल लोगे, तब भी उससे नौकरी से ज्यादा ही अपना बचा के चलोगे, और आप स्वतंत्र रहोगे, जब इच्छा हो तब आप गाड़ी चलाइए, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, आपको 10 बजे चलानी आप 10 बजे चलाइए, आपको शाम को चलानी आप शाम को चलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई समझ में आ गया होगा आपको कि ये काम उसके लिए है जो 10-15 हजार की दूसरे की नौकरी कर रहा है, 10-12 घंटे मेहनत कर रहा है, और फिर भी उसको मजा नहीं आ रहा काम में, तो वो इस लाइन में, ड्राइवरी लाइन में, ओला उबर में, टैक्सी लाइन में आ सकता है, उससे ज्यादा पैसे कमा सकता है, और उतना ही समय दे के हो सकता है। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 15-20 हजार रुपए हर महीने आप बचा सकते हो सारी किस्तें वगैरह काट के। अब भाई एक दो सवाल जवाब और करेंगे क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो भाई एक और है हमारे, ये श्याम बाबू राम राम बोल रहे हैं, तो भाई इनको मैं भी राम राम बोलना चाहता हूँ। ठीक है, भाई ये बताएं काम क्यों नहीं आ रहा है ओला उबर में कानपुर में, ये भाई साहब कानपुर के ही है। अद्दू की दुनिया, ठीक है ये इनकी आईडी है अद्दू की दुनिया, ये पूछ रहे हैं कि भाई ओला उबर में कानपुर में काम क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई कानपुर की छोड़ो, मैं दिल्ली मुंबई सब जगह की बता रहा हूँ, इस समय काम थोड़ा सा डाउन है, उसका कारण यही है मौसम, क्योंकि मौसम इस समय जो है कुछ सही नहीं था, अब थोड़ा सही हो गया है आने वाले दिनों में। आशा और उम्मीद करते हैं भाई आपका भी काम अच्छा चलेगा, हमारा भी अच्छा चलेगा। आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ उबर के भरोसे मत रहिए, आप 3-4 कंपनियां और ऐड कर लीजिए, जैसे कि रैपिडो, आप कानपुर के रहने वाले, हम भी कानपुर के रहने वाले, रैपिडो हो गई, इन ड्राइवर हो गई, ये लोकल काम देती है, ओला हो गया, उबर हो गया, 4 कंपनियां आपके पास लोकल की काम देने वाली 4 कंपनियां हैं भाई, आप चारों में ऐड कर लीजिए। बाहर चलाना चाहते हैं तो टैक्सी फोर से और भी चला सकते हैं, और भी कंपनियां हैं, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं भाई, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, ठीक है। आप जितनी ज्यादा कंपनियों में जुड़ोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब ज्यादा का जवाब नहीं देंगे भाई, लगभग 8-10 क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूं, बकाया कमेंट में जवाब दे दूंगा सारे भाइयों को एक एक करके। तो ठीक है भाइयों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा चला, अच्छा रिस्पॉन्स आया भाई, व्यू वगैरह अच्छे आए, तो फिर और भी इसी तरह की वीडियो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मैं करूंगा इस तरह का वीडियो, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है
तो भाइयों जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उस तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और भाई इंस्टाग्राम में हमारे जाके जो कि Vinay999 है उस आईडी पे भी जाके विजिट कर सकता है और देख सकता है, सुन सकता है और सवाल जवाब कर सकता है। फेसबुक पेज भी भाई बनवा रहे हैं और अपना यही नाम रहेगा Vinay999, अपने चैनल का यही नाम रहेगा पेज का नाम। तो आने वाले दिनों में अपने वीडियो फेसबुक में भी डाला करूंगा। तो भाई इसी तरह के आपके सवाल जवाब चलते रहेंगे हमारे, आपके कम से कम हफ्ते में एक दिन निकाला करूंगा या फिर फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे आप लोगों के सारे जवाब दिया करूंगा। समय कम रहता है, रोज जवाब नहीं दे पाता हूं, तो भाइयों माफ कीजिएगा। तो भाई अब हम आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय।